महान दल और कांग्रेस के गठबंधन के बाद मुरादाबाद में महान दल के द्वारा आभार रैली का आयोजन किया गया। रैली में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां देश के जवानों के जिस्म के टुकड़ों को बीना जा रहा था, वहीं देश के प्रधानमंत्री अपने कपड़े बदल रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेतागण राहुल जी, प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य जी शहीदों के गए, मुझे भी बहुत और जगहों पर भी जाने का मौका मिला। अक्सर सभी परिवार के उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की, 12 उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी शहादत दी। ये घटना जब हुई उसके तुरंत बाद आप कपड़े बदल रहे थे। आपके पड़ोस में ही जिम कॉर्बेट है, उसके अंदर वो घड़ियाल देख रहे थे। एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, शूटिंग चल रही थी। उसके बाद 5 बजे आपने भाषण भी दिया, चुनावी भाषण का आगाज किया, लेकिन 3 घंटे तक आपको याद नहीं आया कि प्रधानमंत्री महोदय, आपको समझ में नहीं आया या आपके दिलों में कदर नहीं थी उन शहीदों की, क्या आप शहीदों को श्रद्धांजलि भर भी दे देते। 5 बजे तक उन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं दी। 3.5 घंटे हो चुके थे, एक तरफ 3.5 घंटे पहले उन शहीदों के जिस्म के टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए थे लोग, और ये अपने कपड़े बदलने में लगे हुए थे। यह है इस देश का प्रधानमंत्री और ऐसी सोच का नेता और ऐसी पार्टी का नेता जो उंगलियां उठाती है देश के गद्दारों को, जूते मारो सालों को। मैं अब ये वाक्य कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को तय करना होगा कि गद्दार कौन था। वो शहादत देने वाला, वो सिपाही वर्दी पहनकर या कपड़े बदलने वाला वो व्यक्ति जो ऊंची कुर्सियों पर बैठा, ये फैसला करना होगा कि जुमलों से पाकिस्तान को गालियां देते हो। जब देखो पाकिस्तान के ऊपर खिलाफ जुमले देने के बाद, जुमले बोलने के बाद घर में आप जो है घर के वाले रहने वालों को आप उन पर तनकीद करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उनको खौफ में रखने का काम करते हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम पाकिस्तान के साथ में कुछ छेड़छाड़ भी करो, इसलिए नहीं कि मेरे देश के नौजवानों में ताकत नहीं, इसलिए नहीं कि यहां का मुसलमान गद्दार है या यहां का हिंदू कमजोर है या सिख ईसाई कमजोर, कि पाकिस्तान को अदानी बिजली बेच रहा है। हिंदुस्तान की बिजली पाकिस्तान में बेची जाती है, और बिजली बेचने वाला मालिक जो है, जो पैसा देता है, वो अदानी है, और अदानी को उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है।